Now the next shot, where's the camera? So he has always been underplayed. ये अवार्ड भी जो मिली है बहुत खुश है, मुस्कुराए थोड़े से। पूरे इंडिया के लिए दिलीप साहब को आज विभूषण मिला, क्या कहना चाहिए? हमने सुना कि आप इमोशनल हो गई थी। क्यों नहीं इमोशनल होगी, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी अवार्ड हमारे भारत सरकार ने दिया यूसुफ साहब को। आई एम द प्राउडेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड टुडे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये सब जो कहते हैं कि बहुत पहले दे देना चाहिए था, तो वो तो है ही, लेकिन ये अवार्ड जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन जो आप लोगों ने सब हिंदुस्तान के जितने लोग हैं और दुनिया के जितने लोग हैं, जो सब लोगों ने उनको अपने दिल दिए हैं, उनकी मोहब्बत दी है अपनी, उनका एतबार दिया है, दे रिस्पेक्ट हिम नॉट जस्ट एज अ फिल्म स्टार बट एज दिलीप साहब द ग्रेट ह्यूमन बीइंग दैट ही इज। तो वो तो मेरे ख्याल में ये अवार्ड है वंडरफुल, लेकिन वो सबसे बड़ा अवार्ड रहा है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हार्टी कंग्रेचुलेशन टू यू मैम। व्हाट डिड दिलीप कुमार सर हैव टू से अबाउट द अवार्ड? व्हाट वर हिज सेंटीमेंट्स अबाउट रिसीविंग दिस अवार्ड? दिलीप साहब जो है वो बहुत क्वाइट है अपने बारे में हमेशा। आप वो बहुत अच्छा, कोई जब काम शॉट अपने शूटिंग के दौरान जब करते हैं, जब भी वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अक्सर लोग वेट करते हैं कहें वाह क्या शॉट दिया है, वाह क्या काम किया है, लेकिन यूसुफ साहब को कभी भी वो उस किस्म की फीलिंग नहीं रही। और हमारे काम के लिए भी, जैसे हम उनके कोस्टार रहे हैं, मैं या और बड़ी बड़ी हीरोइंस और कॉलीग्स जो हैं, जब जब उन्होंने काम किया तो उनकी तवक्को थी कि वो दिलीप साहब से काम करें, उनके साथ काम करें और अच्छा सा शॉट दे दें, क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करता है यूसुफ साहब के साथ, वो हम अब बेहतर से बेहतर अपना काम हो जाता है हमारा, हम हमारा कुछ अलग ही पॉलिश आ जाता है उनके साथ, उनका असर कुछ जो है वो हम पे आ जाता है। तो वो हम तवक्को करते थे यू नो कि दिलीप साहब अपना हमारा शॉट देखेंगे और कहेंगे ओह वंडरफुल, वेरी गुड, यू डन सो वेल। लेकिन हमेशा हमको मिलता था गुड, नाउ द नेक्स्ट शॉट, वेयर इज द कैमरा? सो ही हैज ऑलवेज बीन अंडरप्लेड। मैम, व्हाट डिड द मिनिस्टर सेड टू से, एनी नोट्स दैट दे एक्सचेंज्ड, एनीथिंग दैट? बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं राजनाथ जी, वो सो काइंड टू कम हियर। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि राजनाथ जी खुद यहाँ आए, क्योंकि मोबाइल ऑफ करें तो बेहतर होगा। प्लीज प्लीज पुट योर मोबाइल ऑफ। तो राजनाथ जी जो यहाँ आए हैं, हम लोग को इतनी खुशी है, मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि ये जो राजभवन में दिल्ली में फंक्शन हुआ था, तो उस समय जो है दिलीप साहब ने माइल्ड एक जॉन्डिस डेवलप हो गया था उनका। अनलाइक नॉर्मल पीपल, दिलीप साहब को नेचुरली इस स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ होता है तो इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर। फिर उसके बाद कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो हमें वक्त लग गया कि हम नहीं जा सके वहाँ। तो राजनाथ जी ने, मोदी साहब ने खुद यानी कि ये सोचा कि राजनाथ जी यहाँ खुद आए और दें, अदरवाइज ही कुड हैव सेंट इट विद एनीवन एल्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि उनके मुबारक कदम जो है हमारे घर आए, और चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, गवर्नर साहब आए। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग, ग्रेट ऑनर, एंड वी फील सो हैप्पी। ऐसा लगा जैसे हमारे कोई फैमिली के आके गए।